हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लैंड पर। आज हम बात करने जा रहे हैं WNBA में जो आज का मुकाबला होने वाला है DAL वर्सेस CON के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को पिक करके चले, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए स्मॉलिंग और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाली है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच के ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के हर प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताने वाले हैं। दोनों टीमों के आपको एक एक पॉइंट कवर करके देंगे। अगर आप किसी फंटेसी ऐप पे अपनी टीम बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉलिंग और ग्रैंड लीग पिक के बारे में। तो स्मॉलिंग में DAL की तरफ से एरिको को अपनी टीम, एलिसा को अपनी टीम में, दोनों बहुत ही अच्छी खासी आपको प्लेयर देखने को मिल जाएगा। आपकी स्मॉलिंग के लिए बेस्ट पिक होने वाले एरिके के बारे में बात करें, जो शूटिंग गार्ड के रूप में अभी तक इन्होंने 186 यानी कि 186 के लगभग अभी तक इन्होंने इस लीग में पोर्ट करके एक अच्छी खासी बेस्ट पिक आपके पास शूटिंग गार्ड के रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो इनको आप अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के साथ साथ कैप्टन या वॉइस कैप्टन रूप में लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होना है। करियर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अभी तक इन्होंने 113 यानी कि 113 लीग मैच प्ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास देने में मिल जाएगी। इस लीग में बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस पर है तो आपके लिए स्मॉल के लिए बेस्ट पिक होने वाले। एलिसा के बारे में बात करें, एलिसा ग्रे एज स्मॉल फोर्ड के रूप में 182 के लगभग अभी तक इन्होंने इस लीग में पोर्ट करके हर मैच में लगभग 25 से ऊपर पॉइंट कर करती है, तो आपके पास एक अच्छी खासी बेस्ट पिक आपको पास स्मॉल फोर्ड के रूप में देने में मिल जाएगी। एक अच्छी खासी स्मॉल फोर्ड के रूप में समोरे और ग्रैंड लीग दोनों टीमें ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको आप अपनी टीम में कैप्टन या वॉइस कैप्टन के रूप में लेकर चले तो अभी कोई लॉस नहीं होने वाला, एक अच्छा खासा पिक देखने में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर बात करते CON की तरफ से, एलिसा थॉमस को अपनी टीम में और जेनको जोन्स को अपनी टीम में जरूर लेकर चले। एलिसा थॉमस के बारे में बात करें, अभी तक इनके करियर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फोर्ड के रूप में 119 के लगभग अभी तक इन्होंने इस लीग में पोर्ट करके एक अच्छी खासी CON की तरफ से बेस्ट पिक स्मॉल फोर्ड के रूप में होने वाली है। तो इनको आप अपनी टीम में स्मॉल फोर्ड के रूप में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होने। 124 यानी कि 124 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जोन्स के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में दोनों टीमों में से बेस्ट पिक सेंटर रूम में जेनक्यूल जोन्स आपके पास होने वाले। तो इनको आप अपनी स्मॉल लीग टीम में एज ए सेंटर के साथ साथ कैप्टन वॉइस कैप्टन रूम में बेस्ट पिक होने वाले हैं। इस लीग में अभी तक लगभग इन्होंने 86 के लगभग पॉइंट करके अच्छी खासी बेस्ट पिक आपके पास CON की तरफ से सेंटर प्लस कैप्टन वॉइस कैप्टन ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। तो इनको आप अपनी समोली ग्रैंड लीग दोनों टीमें लेकर चल सकते हैं, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक के बारे में, तो जैसे कि चार प्लेयर का नाम बताया, इन चारों प्लेयर को आप अपनी समोली टीम में जरूर लेकर चले, इन्हीं में से आप अपने कैप्टन वॉइस कैप्टन के रूप में लेकर चले तो कोई भी लॉस नहीं होने वाला, एक अच्छी खासी पिक देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक के बारे में, तो ग्रैंड लीग में सेटाउस सेबली आपके पास और टेरशा मैकवान आपके पास सिर्फ DAL की तरफ से, सिर्फ इनको आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में लेकर चलिएगा। समो लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि रिस्की प्लेयर है, रिस्की प्लेयर को आप अपनी समो लीग से दूर रखें उतना ही आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि समो लीग में कॉन्टेस्ट कम होने के कारण हमको टॉप से टॉप प्लेयर लेकर चले पड़ते हैं। इसी कारण हम रिस्की प्लेयर को अपनी समो लीग से दूर रखें उतना ही हमें फायदा होने वाला है। CON के बारे में बात करें, बॉनर को अपनी टीम में, जैस्मिन को अपनी टीम में, ये दोनों प्लेयर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन होने वाले। ग्रैंड लीग के अलावा इनको आप अपनी समो लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, आप अपनी ग्रैंड लीग टीम इनको बेझिझक लेकर चल सकते हैं। तो की प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कर अभी टेलीग्राम को चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो बात करते हैं की प्लेटफॉर्म में DAL की तरफ से, अगर सबसे पहले बात करें ओगन बाउली के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों टीम में, एलिसा ग्रे भी आपके पास एक अच्छी खासी स्मॉल फॉर्वर्ड के रूम में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले हैं। हैरिसन को आप अपनी टीम में एज ए पावर फॉर्वर्ड के रूम में ग्रैंड लीग टीम में, MC काउन को भी आप अपनी टीम में एज ए सेंटर रूम में ग्रैंड लीग टीम में लेकर चले, कोई भी लॉस नहीं होने वाला, एक अच्छी खासी पिक DAL की तरफ से। चारों प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी एक्सपीरियंस प्लेयर आपको देखने में मिल जाएगी, तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक कर चल सकते हैं। CON के बारे में बात करें, एलिसा थॉमस के बारे में बात करें, जो स्मॉल फोर्ड ग्रूम में एक अच्छी खासी बेस्ट पिक आपके पास देखने को मिल जाएगी, तो हम इनको आप अपनी टीम में एज ए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों टीम में
स्मॉल फोर्ड ग्रुप में लेकर चल सकते हैं। कैरिंगटन के बारे में बात करें, स्मॉल फोर्ड ग्रुप में ग्रैंड लीग टीम है, और ब्रेनर जोन्स को आप अपनी टीम में स्मॉल लीग में सेंटर रूम में लेकर चले तो कोई भी लॉस नहीं होने वाला। एक अच्छी खासी पिक आपके पास सीओएन की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तीनों प्लेयर इस लीग में बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस दिखा रही है, तो आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक आपको देने को मिल जाएंगे। तो इन तीन प्लेयर में से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक कर चल सकते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में विजन इलेवन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन इलेवन को डाउनलोड करें। विजन इलेवन को क्यों डाउनलोड करें? सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको विजन इलेवन पर देने मिलेगा। एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन भी कम, और विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। इसमें आपको ये बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, हर गेम की आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन, यानी कि बाकी ऐप से 5 मिनट बाद इसमें गेम स्टार्ट होगा, तो लाइन में पाने बाद एक अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास अपनी बेस्ट से बेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का। तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और हमारा रेफर कोड यूज़ किया आपको 300 का बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करके अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ वीज लेन पर तैयार करें। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं डीएल की तरफ से, टायरसा हैरिस के बारे में बात करें, जो पॉइंट गार्ड के रूम में अभी तक इन्होंने 3 मैच में 66 के लगभग पॉइंट करके। फॉगन वाले के बारे में बात करें, जो शूटिंग गार्ड के रूम में 186। मारियाना मार्बे ने आज शूटिंग गार्ड के रूम में 158। एलिस अग्रे ने आज स्मॉल फोर्ड के रूम में 182। शोटू शेवले के बारे में बात करें, स्मॉल फोर्ड के रूम में 1 मैच में 27 के लगभग पॉइंट कवर किए। डीएल की तरफ से 500 प्लेयर बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में इस लीग में आपको देने में मिल जाएंगे। तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होना। सीएन के बारे में बात करें, जैस्मिन थॉमस ने आज पॉइंट गार्ड ग्रुप में 30 के लगभग। हेडमैन के बारे में बात करें, शूटिंग गार्ड ग्रुप में 55। विलियम्स ने आज शूटिंग गार्ड ग्रुप में 43। एलिसा थॉमस ने आज स्मॉल फोर्ड ग्रुप में 119। कैरिंगटन ने आज स्मॉल फोर्ड ग्रुप में 44 के लगभग 2 मैच में पॉइंट करोड़े। 500 प्लेयर सीओएन की तरफ से हर मैच में अपना बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस में होती है, हर मैच में अपना एक्सपीरियंस दिखाती है, तो आपके ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाले। पॉइंट लेवल देख सकते हैं, एक अच्छी खासी पिक आपके पास दोनों टीमों से देखने को मिल जाएंगे। तो इन प्लेयर में से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चल सकते हैं, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, तो 3 प्लेयर डीएल की तरफ से, 2 प्लेयर आपके पास सीओएन की तरफ से बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन रूम होने वाली है। तो एलिसा ग्रे, हैरिसन और कैरिंगटन आपके पास, तीनों प्लेयर आपके पास समोली के लिए कैप्टन, और ओगन मौली को अपनी टीम में ग्रैंड लीग में कैप्टन, साथ ही साथ ब्रियाना जॉन्स को आप अपनी समोली में वॉइस कैप्टन रूम में, यानी कि चाहे समोली टीम बनाए चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाए, ये 5 प्लेयर आपके पास बेस्ट वीक कैप्टन वॉइस कैप्टन रूम में होने वाली है। इन 5 प्लेयर में से आप अपने कैप्टन वॉइस कैप्टन लेकर चलिएगा। इनके अलावा आपके पास और कोई अच्छा खासा पिक देखने को मिल जाए नहीं मिलेगा। अगर स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत अलग मिल जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके स्क्वाड को जरूर देख लें, इन्हीं में से आपके प्लेइंग 8 होने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 8 के बारे में, तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों से 8-8 प्लेयर पिक किए, यानी कि हमारे हिसाब से आज के मैच में ये प्लेयर खेलने वाले हैं। बाकी हम आपको लाइन नहीं पाने पर टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो आज आप अपनी ड्रीम टीम में हैरिस को अपनी टीम में डीएल की तरफ से एक अच्छी खासी बेस्ट पिक आपके पास पॉइंट गार्ड के रूप में देखने को मिल जाएगी। 89 के लगभग सेलेक्टिव, 166 के लगभग अभी तक इन्होंने इस लीग में पॉइंट करके, पिछले कुछ मैचेस के बारे में बात करें, पिछले मैच को छोड़कर उससे पहले हर मैच में लगभग 20 से ऊपर पॉइंट कवर करती है। इनके अलावा आपके पास और कोई अच्छा खासा पिक पॉइंट गार्ड के रूम में नहीं देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, मैबरे आपके पास डीएल की तरफ एक अच्छी खासी बेस्ट पिक स्मॉल फॉर शूटिंग गार्ड के रूम में होने वाले। अगर पिछले कुछ मैचेस के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं हर मैच में लगभग 30 या 30 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो डीएल की तरफ से मारियाना मैबरे को अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में कोई भी लॉस नहीं होने वाला। एक अच्छा खासा पिक विलियम्स के बारे में बात करें, सीओएन की तरफ से एक अच्छी खासी बेस्ट पिक सीओएन की तरफ से एज ए विलियम्स के रूम में शूटिंग गार्ड के रूम में देने को मिल जाएगी। 44 के अलावा अभी तक सेलेक्टिव रेट है, 42 के लगभग अभी तक इन्होंने इस लीग में पॉइंट कर रखे हैं। अगर पिछले कुछ मैचेस के बारे में बात करें, एक मैच में ड्रॉप चली थी, 2 मैच में इन्होंने 20 या 20 से ऊपर पॉइंट कवर किए। सीओएन की तरफ से कोरिएंट विलियम्स आपके पास एक अच्छी खासी बेस्ट पिक देखने में मिल जाएगी, जिनको आप अपनी टीम में शूटिंग गार्ड के रूम में लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। एक अच्छी खासी पिक देखने में मिल जाएगी सीओएन की तरफ से। स्मॉल फोर्ड की अगर हम बारे में बात करने बैठें, तो कैरिंगटन और थॉमस आपके पास दोनों प्लेयर स्मॉल फोर्ड के रूम में सीओएन की तरफ से बेस्ट पिक होने वाले हैं। कैरिंगटन के बारे में बात करें, अभी तक आप देख सकते हैं 3 मैच में
लगभग हर मैच में 15 या 15 से ऊपर पॉइंट कर करती है, तो आपके पास एक अच्छा खासा हर मैच में आपको 10 से 15 पॉइंट कर करके देने वाले, तो आपके पास एक अच्छा खासा पिक स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में देने में मिल जाएगी। थॉम्स के बारे में बात करें, थॉम्स ने अभी तक इन्होंने 3 मैच में लगभग पहले में 46 के अलावा 36 यानी कि 3 मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है, तो आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट पिक आपके पास स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में सीएन की तरफ से देने में मिल जाएगी। पावर फॉरवर्ड के बारे में बात करें, थॉर्टन आपके पास बेस्ट पिक डीएल की तरफ से एक अच्छी खासी पिक होने वाली है डीएल की तरफ से। अगर पिछले कुछ मैचेस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं हर मैच में 25 से ऊपर पॉइंट कर करती हैं, एक अच्छी खासी कायला थॉर्टन आपके पास बेस्ट पिक इस लीग में 153 के अलावा 14 के अलावा क्रेडिट डीएल की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर पावर फॉरवर्ड के रूप में आपके पास होने वाली है। तो अखबार बात करते हैं सेंटर के बारे में बात करें तो जोन्स को अपनी टीम में और जोन्स बी जोन्स और जे जोन्स यानी कि दोनों प्लेयर्स सी ओ एन की तरफ से सबसे पहले बात करते हैं। प्लेयर जोन्स के ब्रियोना जोन्स के बारे में बात करें तो अभी तक 3 मैच प्ले किए, 3 मैच में आप देख सकते हैं हर मैच में लगभग 30 या 30 से ऊपर पॉइंट करते हैं, सेलेक्टिव रेट भी बहुत अच्छा है, हर मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाती है, आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट प्लेयर आपके पास होने वाले हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जे जोन्स यानी कि अभी तक जैनक्यूल जोन्स के बारे में बात करें, अभी तक इन्होंने भी 3 मैच प्ले किए, तीनों मैच में अभी बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस प्लेयर यानी कि बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, 3 मैच से बहुत ही इस लीग में बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस पर है, टॉप पिक प्लेयर है दोस्तों, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस लीग में, आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट पिक सेंटर रूम में देने में मिल जाएंगे, तो आपके पास सी एन की तरफ से बेस्ट पिक सेंटर रूम में जोन्स के रूम में देने में मिल जाएंगे। तो दोनों जोन्स को आप अपनी टीम में सेंटर रूम में जरूर लेकर चले, चाहे समोली टीम रहे चाहे ग्रैंड लीग टीम रहे, ये दोनों जोन्स आपके पास बेस्ट पिक सेंटर रूम में होने वाली है। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, मैब्रिक अपनी टीम में कैप्टन और थॉम्स को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चले, आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला, आप अपनी टीम में थॉम्स को कैप्टन और मैब्रे को एज ए वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चले सकते हैं, इसीलिए हम यह चेंज करके थॉम्स को अपनी टीम में कैप्टन और मैब्रे को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन रूम में लेकर चलना चाहेंगे, एक अच्छा खासा पिक आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और आपने अभी तक विजन 11 डाउनलोड नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइज सिर्फ और सिर्फ आपको विजन 11 पर देने मिलेगा, एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन भी कम और विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। तो अभी डाउनलोड करें और अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन 11 पर तैयार करें, हमारा रेफर कोड यूज़ किया हुआ 300 का बोनस मिलने वाला है, विजन 11 पर आपके पास एक अच्छा खासा फ़ायदा ये होने वाला है, हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन यानी कि बाकी ऐप से 5 मिनट बाद इसमें गेम स्टार्ट होगा, तो लाइन ना पाने बाद एक अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास अपनी बेस्ट से बेस्ट फंटेसी टीम तैयार करने का। तो अभी डाउनलोड करके और अपनी फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन 11 पर तैयार करें।